या वदूदो यानी ए मोहब्बत करने वाले, ये अल्लाह ताला का प्यारा नामे मुबारक है जिसकी तासीर जमाली है और ये आतिशी है। इसे पढ़ने की तरकीब भी ध्यान से सुन लीजिएगा। तस्खीर महबूब के लिए ख्वाह लड़का या लड़की लाख कोशिशों के बावजूद आपकी तरफ मुतवज्जा न होता हो, मगर ये काम हलाल यानी निकाह के मकसद के लिए ही हो, तो फिर लाजमन है कि पंज शंबा, जिसे हमारी जुबान में जुमेरात कहते हैं, उसी दिन ये अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला तीसरा दिन पूरा नहीं गुजरने पाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 3 दिन के अंदर अंदर माशूक फरमा बरदार होकर 7 समंदर पार से भी सब कुछ छोड़कर आपके पास दौड़ा चला आएगा। पहले दिन जिस वक्त पढ़ेंगे, 3 दिन यानी जुमेरात, जुमा और शनिचर, तीनों दिन उसी वक्त पढ़ना है। तो वक्त को सोच समझ के मुकरर कीजिएगा। किन्हीं रुकावटों की वजह से किसी का महबूब अगर 3 दिन में पिघल कर हाजिर ना हो, तो उसे चाहिए कि 5 या फिर 7 रोज तो मुसलसल इसे पढ़े। अमल में क्या करना है कि एक पाक साफ गिलास जिसमें कोई भी मीठा शरबत तैयार कर लें, जो आपको पीना पसंद हो, लेकिन याद रहे कि कोल्ड ड्रिंक या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक बनी हुई नहीं होनी चाहिए। हाँ, रूह अफ़ज़ा वगैरह बना सकते हैं। आप उसमें थोड़ा सा गुलाब जल जरूर डाल दें। उस दिन असर की नमाज के बाद, और अगर इस वक्त आपके लिए बैठना मुश्किल हो तो फिर ईशा के बाद बैठ जाएं। मगर बेहतर है कि असर के वक्त काबा की तरफ मुंह करके, आंखें बंद करके महबूब का तस्वीर कायम करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। या जिसे भी राजी करना हो उनका तस्वीर कर लें और 1400 मरतबा अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक के साथ ये इसमें मुबारक पढ़ें। फिर उस शरबत पर दम कर दें और खुद भी लें। इंशाल्लाह ताला उसी दिन मतलूब हाजिर हो जाएगा, देखना।